नमस्कार, हम लोग इस समय मौजूद हैं उत्तराखंड के श्रीनगर से 15 किलोमीटर दूर कलियासौड़ धारी गाँव। आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा और ये जो मंदिर दिख रही है ये माँ धारी देवी का मंदिर है। और जो आपको नदी नीचे बहती दिख रही है ये माँ अलकनंदा नदी है। 2013 की त्रासदी में जो त्रासदी से जुड़ी खबरें हैं वो माँ धारी देवी की काफ़ी मान्यता है। पहाड़ जाता है कि ये पहाड़ों की रक्षा करती है और चार धामों की रक्षा करती है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ और तमाम देवी देवताओं के पूजा अर्चना करने के लिए, वो इनकी रक्षा करती हैं। 2013 की बात आ जाता है कि माँ का मंदिर जो है, माँ का जो मूर्ति है वो नीचे हुआ करता था। आपको पानी में वो डूबा दिख रहा होगा इसका, वहाँ माँ की मूर्ति हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पहाड़ों में ये मान्यता है कि किसी काम के लिए अगर मूर्ति को हटाना है या फिर कहीं और पे स्थापित करना है तो पहले देवी देवताओं से उसकी आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और यही 2013 में भी हुआ था। परमिशन लिए बगैर माँ की मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया गया और ये कुछ ही घंटों के अंतर में ये पूरे उत्तराखंड में त्रासदी आ गई जिसमें हज़ारों लोग मारे गए थे। और उसके बाद फिर हुआ ये कि माँ की जो मूर्ति है उसको दोबारा वहीं पे रखना पड़ा। मान्यता ये है कि माँ उस समय गुस्सा हो गई थी क्योंकि बिना परमिशन के उनकी मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे ले गया गया था। जब भी कोई यहाँ पे केदारनाथ दर्शन के लिए आता है तो मान्यता ये है कि पहले वो माँ धारी देवी का दर्शन करता है, पहले वो उनसे आज्ञा लेता है, ये परमिशन देती हैं, जितने भी श्रद्धालु होते हैं उनकी रक्षा करती हैं, तब वो जाके चार धाम या फिर बाबा के जितने भी दर्शन करने होते हैं वो यहाँ से ही शुरू होती है। माँ धारी देवी की तमाम अलग अलग मान्यता है। आप जो नदी देख रहे हैं ये 2013 की अगर बात करें तो आपको जो पुल दिख रहा होगा, ये पुल जो आगे आपको तमाम छोटे छोटे घर दिख रहे होंगे पहाड़ पे, ये धारी गाँव है। तो माँ धारी देवी के ही नाम से इस गांव का जो है नाम पड़ा। और यहाँ पे मान्यता ये है कि द्रौपद युग से ही माँ यहाँ पे विराजमान है। और यहाँ पे एक और मान्यता ये है कि आप जो छज्जा देख रहे हैं यानी डोम, वहाँ पे आपको एक गुंबद टाइप का जो दिख रहा होगा वहाँ पे लिंटर नहीं है। ये मान्यता है कि माँ ने ये बताया था कि हमें जहाँ पे स्थापित करूँ मेरे ऊपर कोई भी लिंटर नहीं होना चाहिए। और यही हुआ, जब भी वहाँ पे लिंटर लगाने की कोशिश की गई तो या तो वो टूट गया या फिर वहाँ से उखड़ गया। आप अभी भी देख सकते हैं कि माँ धारी देवी का वहाँ पे लिंटर नहीं है। बाकी श्रद्धालुओं के बैठने के लिए जहाँ पे श्रद्धालु बैठेंगे, माँ की पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए बाकायदे लिंटर लगाया गया है और तमाम सुख सुविधाएँ वहाँ पर दी जा रही हैं। लेकिन माँ की मूर्ति को बिना लिंटर के रखा गया है क्योंकि माँ की ये परमिशन नहीं था कि हमारे ऊपर लिंटर होना चाहिए। माँ की यही इच्छा थी, इसीलिए आप देख सकते हैं कि बिना लिंटर के ही माँ को वहाँ पे रखा गया है। और ये देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें हैं। श्रीनगर से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये गांव का, एक जगह का नाम है कलियासौड़, वहाँ पे पड़ता है। और जो आपको गांव दिख रहा है पुल पार उस पार, उस गाँव का नाम है धारी गाँव। तमाम मान्यताएँ हैं। जो भी लोग यहाँ पर उत्तराखंड आते हैं माँ धारी देवी का दर्शन जरूर करते हैं। इसलिए आप भी अगर उत्तराखंड आ रहे हो, चार धाम की यात्रा पे जा रहे हो, तो पहले माँ धारी देवी का दर्शन जरूर करें। या तमाम लोग जो यहाँ पे आए होंगे वो जानते होंगे कि माँ की मान्यता कितनी है। पहाड़ों पे खासकर देवी देवताओं की एक अलग पूज है, इसीलिए देवभूमि के नाम से इस चीज़ को जाना जाता है। शंकराचार्य भी जब यहाँ से गुजर रहे थे तो इस देवी के उन्होंने दर्शन किया था और तब जाके केदारनाथ हो गए थे जहाँ पे बाबा स्थापित किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अलकनंदा अभी फिलहाल शांत है, लेकिन 2013 की बात करें तो आपको भी पता होगा कि कितनी भीषण तबाही मची थी। मान्यता फिर भी मैं आपको दोबारा अगर बताऊँ तो यही है कि माँ की जब मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह हटाया गया था बिना परमिशन, पहाड़ों पे परमिशन लेनी पड़ती है देवी देवताओं से, तमाम देवी देवता आते हैं वहाँ पे परमिशन देते हैं तभी जाके आप मूर्ति को इधर से उधर कर सकते हैं। लेकिन उस दिन की बात यह है कि बिना परमिशन के जब मूर्ति को इधर से उधर किया गया तो 2013 में उत्तराखंड ने त्रासदी देखी जिसमें हज़ारों लोग मारे गए। तो आप भी जब उत्तराखंड आए तो माँ धारी देवी का दर्शन जरूर करें। जय माँ धारी देवी। यहाँ से ले लो यार, यहाँ देखो तुम, यहाँ खड़े हो गए, नीचे से ऊपर पूरा मंदिर आ रहा है।